हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच लीड्स में खेला जा रहा है। दो दिन जो है पूरे इस मैच के हो चुके हैं और भारतीय टीम के जो सूरत हाल है कुछ खास नहीं है। इंग्लैंड ने पूरे दो दिन जो है डोमिनेट किया है और इन सब के बीच में ऋषभ पंत जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते नजर आ रहे हैं। बताएंगे आपको कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ऋषभ पंत जो है कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी फटाफट प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आपको बता देंगे दरअसल मैच में ऐसा क्या वाक्य हुआ है जिसकी वजह से ऋषभ पंत जो है इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल टी से ठीक पहले डेविड मलान जो है 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं मोहम्मद सिराज की गेंद पर। कैच जो है विकेट के पीछे ऋषभ पंत पकड़ लेते हैं। लेकिन टी के बाद जब मैदान पर टीमें आती हैं, ओवर शुरू होने से पहले अंपायर ऋषभ पंत के पास जाते हैं। विराट कोहली भी वहीं पर मौजूद होते हैं। स्लिप में अक्सर हम देख ही रहे हैं कि फर्स्ट स्लिप में विराट कोहली खड़े होते हैं। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो कि शायद हमने पहले ऋषभ पंत के द्वारा या अंपायर्स के द्वारा ऋषभ पंत के लिए नहीं देखा था। अंपायर्स ऋषभ पंत से कहते हैं कि भैया आपने जो टेपिंग लगा रखी है विकेट कीपिंग ग्लव्स पे, इसे आप हटा दीजिए क्योंकि ये लॉज के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। 27.2 का जो पूरा लॉ है उसके मुताबिक केवल इंडेक्स फिंगर और थंब के बिटवीन ही आप जो टेपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ऋषभ पंत ने टेपिंग कर रखी थी ये साफ दिखा रहा था कि इलीगल है। और इसके बाद हमने देखा कि विराट कोहली भी जो है सहायता करते हैं ऋषभ पंत की वो पूरी टेपिंग हटाने में। और उसके बाद पूरा जो मामला होता है वो कमेंट्री में भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जहाँ पे नासिर हुसैन और डेविड लॉयड जो हैं दोनों ही इस पूरे मुद्दे को लेके जो है अपनी पक्ष रखते हैं। जहाँ पे डेविड लॉयड जो हैं वो ये कहते हैं कि डेविड मलान जिस तरीके से आउट हुए हैं क्योंकि ऋषभ पंत ने ही वो कैच लपका है, यानी कि उस वक्त उन्होंने टेपिंग कर रखी थी। तो ऐसे में उनका कहना था कि मलान का जो डिसमिसल हुआ है वो इलीगल है, इसमें उन्हें वापस मैदान पर बुलाना चाहिए और एक बार फिर से उनकी पारी की शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि 70 रन पर वो खेले थे उसी के आगे से वो अपनी पारी को कंटिन्यू करें। इसके साथ साथ नासिर हुसैन ने भी अपना जो है पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पंत जिस तरीके से कीपिंग कर रहे हैं वो सीरीज की स्टार्टिंग से जो है पूरी टेपिंग के साथ खेल रहे हैं, यानी जो उन्होंने विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन रखे हैं उसके अंदर पूरी तरीके से ग्लव्स पर आप टेपिंग देख सकते हैं। अब ये जो पूरा मामला था ये कहीं ना कहीं इस वक्त आप कह सकते हैं कि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग को लेकर सवाल उठाता है कि क्यों उन्होंने जो है पूरी तरीके से टेपिंग कर रखी थी। साथ ही साथ अगर बात करी जाए मैच की तो ये मैच में तो फिलहाल इंडियन टीम जो है कुछ खास कर नहीं पा रही है। पहली पारी में ऋषभ पंत कुछ खास कर नहीं पाए थे बल्ले से अगर मैं बात करूं, दूसरी पारी में अब उन्हें मौका मिलेगा, देखते हैं क्या वो कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल विकेट कीपिंग को लेके बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ऋषभ पंत जो है अंपायर के द्वारा वार्न किए गए थे कि जो स्टांस ऋषभ पंत ले रहे थे क्रीज से थोड़ा आगे होके वो खेल रहे थे और जो डेंजर एरिया होता है पिच में वहाँ पे जो है उनका बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि स्टांस आ रहा था। तो ऐसे में अंपायर ने उन्हें वार्न किया कि भैया आपका जो स्टांस है या आप जिस तरीके से खेल रहे हैं वो डेंजर एरिया का पार्ट है तो आप उसे जो है बिल्कुल चेंज कीजिए। उसके बाद हमने देखा ऋषभ पंत ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बताई थी कि उन्हें जो है स्टांस अपना चेंज करना पड़ा क्योंकि अंपायर ने जो है उन्हें बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि जिस तरीके से आप क्रीज से थोड़ा आगे खेल रहे हैं तो वो जो पूरा एरिया है वो डेंजर एरिया में आता है। अब इस बार भी जो है विकेट कीपिंग करते वक्त उनको अंपायर ने जो है एक बार फिर से आप ये कह लीजिए कि उन्हें वार्न कर दिया गया है। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ऋषभ पंत जो है दूसरी पारी में परफॉर्म करते हैं, क्या भारत ये टेस्ट मैच बचा पाएगा, क्या ये भारत मैच जीत पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल। लेकिन शायद अगर ड्रॉ भी हो जाता है ये मैच तो भी मैं कहूँगा भारत ही इसमें बिल्कुल जीत होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।